प्रदेश भर में बार काउंसिल के आह्वान पर बार एसोसिएशन की ओर से सभी जिलों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। रेवाड़ी में भी नव निर्वाचित बार एसोसिएशन की ओर से बार रूम में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने शिरकत की। चुनाव अधिकारी ने बार प्रधान सहित बार की नवनिर्वाचित टीम को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन की नई टीम के प्रधान विश्वामित्र यादव, उप प्रधान सुरेंद्र पाल, सचिव मनप्रिय यादव, सह सचिव टार्जन यादव और कोषाध्यक्ष विवेक को चुनाव अधिकारी अश्विनी तिवारी ने शपथ दिलाई। इस मौके पर सभी पदाधिकारियों ने बार के लिए बेहतर काम करने की बात कही। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल कुमार ने बार एवं बेंच के बीच बेहतर तालमेल एवं समन्वय स्थापित करने की बात की। रेवाड़ी जिला बाल प्रधान विश्वामित्र ने शपथ लेते हुए दो बड़े फैसले लागू किए, जिसके तहत कई वर्षों से शनिवार को चले आ रहे वर्क सस्पेंड को वापस लेने का फैसला लिया गया। इसके अलावा बार एसोसिएशन की ओर से कोई भी फैसला बंद कमरे में नहीं लेने का निर्णय लिया गया। बार प्रधान विश्वामित्र यादव ने बताया कि लंबे समय से अधिवक्ताओं की ओर से मांग की जा रही थी कि शनिवार को भी अधिवक्ता नियमित रूप से अपना काम जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव कैंपेन के दौरान भी अधिवक्ताओं की ओर से ये मांग रखी गई थी, जिसको देखते हुए शनिवार को वर्क सस्पेंड का फैसला वापस लिया जाता है। वहीं दूसरी ओर आज के बाद कोई भी फैसला बार की ओर से बंद कमरे में नहीं लिया जाएगा, अपितु सार्वजनिक रूप से सबकी सहमति से लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से ये परिपाटी चली आ रही थी कि बंद कमरे में कोई निर्णय लेकर बार पर थोप दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर की बार एसोसिएशन में 15 दिसंबर को चुनाव हुए थे, उसी दिन शाम को परिणाम घोषित कर दिए गए थे और अब शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। सबसे पहले तो मैं मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी बार की समय समय पर खबर अच्छे से छापी और जो सही था वही मीडिया ने छापा, इसलिए मेरे तहे दिल से मीडिया का धन्यवाद। और आज बार का मैंने प्रधान पद के ऊपर शपथ ली है, तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ऐसा पूरे टर्म में ऐसा कोई कार्य ना करूं जिससे बार की डिग्निटी के ऊपर कोई सवाल उठे। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मेरी प्राथमिकताएं सबसे पहले तो मैंने पहले भी मीडिया के माध्यम से बताया है कि महिला अधिवक्ता के लिए क्रैच हाउस और इंश्योरेंस पॉलिसी, तीसरी ये रहेगी नए वकील साथ के लिए सीटिंग की व्यवस्था और कोटा केबिन न्यू बिल्डिंग पे दो मंजिल ओवर बननी है, उसके लिए परमिशन की कोशिश करूंगा और जो भी बाहर की मीटिंग में नई समस्या आएगी वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा। सरकार और प्रशासन के माध्यम से कई बार अधिवक्ता वर्ग को कुछ समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उनके लिए कोई रणनीति है जी? सरकार, मैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से एक मीटिंग रखूंगा और डीसी और एसपी, चारों डीएसपी और जिले के सभी एसएचओ के साथ एक मीटिंग रखूंगा और उनसे बात करके ये कोशिश करूंगा कि ऐसी कोई समस्या, कभी ऐसा खतरा ना हो और बैठ के इस खबरनामा रहने के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।